वो जिम गए ना मैं वॉक पर गई, बस हम खाए जा रहे हैं। इतना खाए आज तो डाइट की माँ बहन हो गई। मैंने वेट किया तो मेरा वेट बताया 7। पूरी भाजी, खीमा पाव, अंडा पाव, अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय ब्लॉग वर्सटाइल निशा। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लिफ्ट में, क्योंकि मैं नीचे गई थी सामान लेने। मेरे हस्बैंड ने आज मुझे वॉक पे नहीं जाने दिया है। मेरे लिए सुबह सुबह लेकर आए चिकन कीमा कि नाश्ते में बैठ के दोनों खाएंगे, तो अभी चलो साथ में नाश्ता करते। हाँ, अभी नाश्ता करने के बाद वो जाएगी अपनी जिम और मैं जाऊँगी इवनिंग में आज वॉक पे, ठीक है। गाइज, मैं सुबह से पसारा लेकर बैठी हूँ। जैसे नाश्ता कर लिया हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड चिकन का खीमा लाए थे, मैंने आप लोगों को बताया, और उसके बाद में ना वो जिम गए ना मैं वॉक पर गई, बस हम खाए जा रहे हैं। चीट डे हो गया, हमने खाया मसूर भात, और ये देखो मैंने पूरा मेरा खन साफ किया कबाट का, और इतना पसारा निकला है। जो कुर्तियाँ सिर्फ मुझे फिटिंग करानी है, फिटिंग मेरी साइज़ की करानी है, ये सब मेरे ही कपड़े हैं। बट समझ लो कि ये जब मैंने बोला ना आप लोगों को मेरा वज़न ज़्यादा था तब की है, तो मुझे सबको फिटिंग कराना पड़ेगा। कम से कम 20 कुर्तियाँ तो रहेगी जो मुझे फिटिंग करानी है। फिटिंग कराते फिर फटाफट रोज व्लॉग में नए नए कपड़े पहनेंगे। गुजराती पेपर देखना, पसंद थाना अने चटनी गुजराती में कैसा मंगा देता जैसा हंसा देखो। यस गाइस, तो अभी हो गई है इवनिंग, बज रहे हैं इवनिंग नहीं नाइट, शाम के 8। हम लोग सो गए थे दोपहर को, ठसा क्या ठूस के इतना खाए। आज तो डाइट की माँ बहन हो गई, सॉरी आज तो डाइट इतनी ख़राब हो गई। दोपहर को मैंने जो कल के गोश्त का सालन बचा था उसकी तहारी बना दी अक्खा मसूर डाल के, दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाए, और ना वो जिम गए ना मैं वॉक पे गई। उसके बाद हमने आइसक्रीम खाए, हमने पेप्सी खाए, और हम सो गए, गुड़ुपदे हो गए। अब भी उठे 7:30, अभी भी हमारा चीट करने का टाइम है, क्योंकि हमारा दिल कर रहा है, अभी भी हम कोई चीट मिली लेने वाले हैं। और ये आके बैठा, ये बोला मैं सुबह से वीडियो में नहीं आऊँ तो आया हूँ, थोड़ा तो आऊँ गई है ना जानू। तो हाँ, एक बेटा मेरे पाव वाले का फोन आया। तो मैं बोल रही थी कि हमने करे थे डाइट चालू, 7 डेज के मैं वीडियोज़ डाले जा रही हूँ यूट्यूब के ऊपर, और आज आप लोगों से मॉर्निंग में मुझे रिव्यू देना था, बात करनी थी, बताना था कि मेरी डाइट का रिजल्ट क्या हुआ। पर आज मेरा चीट डे हो गया, पूरे दिन मेरे हस्बैंड घर पर है तो उनके साथ में हम लोग खा रहे पी रहे, और वो अभी रात को भी हम खाने वाले हैं क्या उमर शोरमा खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, फिर कल से हमने डिसाइड किया एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे। तो ऐसे ही होता है डाइट में, जब आप स्टार्ट करते हो, मैंने पिछले समझ लो 2 महीने बाद स्टार्ट करी वापस से, क्योंकि मैंने फेब्रुआरी, मुझे याद है 29 जगदेश की शादी में मैंने स्टॉप कर दी थी, मार्च गया ही अप्रैल है, 1.5 महीने बाद फिर से स्टार्ट कर रही हूँ डाइट को। तो ऐसे ही हो रहा है, कभी खा रही हूँ कभी नहीं खा रही हूँ, कभी वॉक कर रही हूँ कभी नहीं वॉक कर रही हूँ। तो बात करते हैं हमारे 1 वीक के डाइट का क्या हुआ, मतलब क्या रिजल्ट आया, 1 वीक के डाइट में क्या असर हुआ, क्या फ़र्क पड़ा। तो मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने डाइट स्टार्ट करी थी मेरा वेट था 74.70, मतलब 30 ग्राम्स कम था खाली 75 केजी में। इस 7 डेज में से मैं 2 दिन तो वॉक पे गई नहीं, 5 दिन वॉक पे गई, प्लस मैंने पहले सेकेंड डे पे चीट हो गई, थर्ड डे पे भी चीट हो गई, लास्ट में पूरे दिन मैंने डाइट करी, लास्ट में मेरे हस्बैंड ने फ्राइड राइस लाए थे मुझे याद है, और कल जब लास्ट डे था मैंने आफ्टरनून में आप लोगों को शायद वीडियो में नहीं बताया था, मैंने खाया था हरे मसाले का गोश्त का सालन, क्योंकि बड़े का गोश्त जो बहुत कैलोरी वाला रहता है, अलग है कि क्वांटिटी कम ली थी, गोश्त कम लिया था, बट फिर भी तो चैलेंज में समझो 2-3 दिन तो अपने बिगड़ गए, मतलब 7 डेज में से। फिर भी मेरा आज जब 7 डे कंप्लीट हुआ, आज मॉर्निंग में, मंडे की मॉर्निंग में जब मैंने वेट किया तो मेरा वेट बताया 73.25। बढ़ नहीं गया, हाँ वो तो बहुत पहले था, वो तो ना 71 हो गया था बेटा, इसलिए तो मैं डाइट पे आई वापस से। किसी फ़ोन मेरा चार्जिंग पे गया था, क्योंकि मेरे भाई साहब ने खेल खेल के बैटरी लो कर दिया था,
और कम बैटरी में वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, आधी रिकॉर्ड हुई फिर उसके बाद में बताया मुझे कि लो बैटरी, तो इसलिए अभी गुस्सा होके बैठा है, मैंने चिल्लाया ना। तो मैं हम कहते हम बोल रहे थे कि मैंने डाइट स्टार्ट करी थी तो मेरा वेट था 74.70 और आज 7 डेज के बाद में आया है 73.25। इट मीन्स हमने ऑलमोस्ट कम किया 1 किलो और 45 ग्राम्स, मतलब 1.5 किलो के आसपास आप लोग समझ लो। तो यही अगर मैं थोड़ा और स्ट्रिक्टली करती तो मुझे पता है 2-2.5 किलो तो आराम से हो ही जाता था, जिसमें 1-2 दिन मैंने चीट किया। तो इतना भी हार्ड नहीं है, मुझे पहले लगता था डाइट करना हार्ड है करके, लेकिन हाँ एक छोटा सा खाना, एक छोटी सी आपकी क्रेविंग आपकी पूरे दिन की डाइट ख़राब कर सकती है, ये तो ज़रूर है, एकदम से आपकी कैलोरी वो बढ़ा देगी। तो डाइट करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको यहाँ पे माइंडसेट बनाना है कि मुझे करना है, कंट्रोल करना है। सेकेंड चीज़ पानी पीना है। थर्ड चीज़ों को स्वैप करना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है। जैसे नाश्ते में जैसे हम पहले खाते थे जैसे कि पूरी भाजी, खीमा पाव, अंडा पाव, मैदे से बचो, शुगर से बचो, पानी ज़्यादा पियो और कैलोरी बर्न करो। अगर आप जिम से कर सकते हो जिम से करो। पता है लोग बोलते हैं कि 20% ही जिम है और 80% डाइट है, बट फिर भी अलग अलग इंसान की अलग अलग बॉडी होती है। आप जब ट्राई करोगे ना डाइट करना तो आपको समझ में आएगा कि आज कल आपने क्या खाया था तो आज मॉर्निंग में आपका वेट अच्छा खासा गिरा। बस खाली जितना मैंने मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मुझे और करना है, 10 किलो कम करना है। पहले की 15 किलो की तो जर्नी गई, अब ये 10 किलो की जर्नी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में मैं कोशिश करूँगी शेयर करने की कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ। मुझे पहुँचना है कैसे भी करके 65 के वेट पे, मुझे और 10 किलो के आसपास कम करना है। हाँ अभी मैं मतलब 73.45 पे पहुँच गया, मतलब 1.5 किलो कम कर चुका हो गया, तो अभी मुझे और 13.5 किलो कम, 8.5 किलो कम करना है ना, 8.5 किलो कम करना है। तो मैं क्या ज्ञान दे रही थी आप लोगों को, पानी ज़्यादा पीना है, शुगर अवॉइड करना है, मैदा अवॉइड करना है और टाइमिंग सबसे मेन है, टाइम पे खाना है। आपको दाल चावल रोटी खाना है, सब्जी रोटी खाना है, चिकन का सालन और रोटी खाना है। आप लोग चिकन लो, ब्रेस्ट पीस जो होता है ना, ब्रेस्ट पीस चिकन का वो बेस्ट, वो सबसे बेस्ट है ना, वो ऐड है ना वो परफेक्ट है। तो क्या ऐड थी, वो सफोला ओट्स की टुकड़ों में जी रही हूँ करके। हाँ पहले मुझे अजीब लगती थी, सब डाइट करते हुए समझ में आता है, मेरा भी दिल करता है, मेरा बेटा खाता है या कोई खाता है तो पहले मैं कैसा ठूस ठूस के खाती थी, अपने उसको से थोड़ा सा खाती हूँ, अपने मन को मना लेती हूँ, टेस्ट का टेस्ट भी हो जाता है, मन भी भर जाता है। हाँ और ऊपर से पानी पी लो और बस इतना ही, बाकी का ज्ञान बाद में देंगे जब अच्छा खासा वजन लूज करेंगे तब। तो फाइनल रिजल्ट इज 1.45 kg इन 7 डेज, जिसमें 3 cheat days, ठीक है। हाँ हाँ कैलोरी बर्न करने की बात करी थी, कैलोरी बर्न करने की, कि सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करने पे ध्यान दो। कैलोरी बर्न पर जिम ज़रूरी नहीं है, वॉक पे भी जा सकते हो, वॉक पे भी हो सकती है कैलोरी बर्न। बहुत अलग अलग ऐप है आजकल, तो वॉच है, स्मार्ट वॉचेस जो लगा कि आप वॉक करो खाली बस। मेरी तो वॉक से मुझे बहुत असर हुआ है गाइस, वॉक से बहुत असर होता है, ठीक है। चलो फिर आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। चलो आज की वीडियो को यहीं पर शॉर्ट एंड स्वीट में एंड करते हैं, कल से हमारी डेली व्लॉगिंग पर आ गया। आज दिन में कुछ खास नहीं किया मैंने, सिर्फ टूसा टूसा खाया, तो मैं ज़्यादा आपको बताऊंगी नहीं। अभी भी अगर मुझे रिकॉर्ड करने मिला तो मैं बताऊंगी मैं क्या खा रही हूँ करके। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज एंड बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना और टिंग टोंग करके दबाना भी नहीं भूलना। बाय, अल्लाह हाफिज़।